डर, घृणा और नफरत। शायद एचआईवी एड्स का नाम सुन के हम में से ज्यादातर लोग यही इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। कैसे एक बीमारी जो कुछ डिकेड्स पहले एग्जिस्ट भी नहीं कर रही थी, आज एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन गई है। इस बीमारी में और क्या क्या समस्याएं होती हैं, वर्ल्ड एड्स डे पे बात करते हैं इन्हीं कुछ बातों के बारे में। हेलो एंड वेलकम टू हार्ट एंड हेल्थ। मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश सिंह, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इस चैनल पे हम बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज के बारे में। फ्रेडी मर्करी, रॉक म्यूजिक की दुनिया में सबसे बड़ा एंटरटेनर, तो नवंबर 1991 में उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर किया कि उन्हें एचआईवी एड्स है। इस अनाउंसमेंट के कुछ टाइम बाद ही उनकी डेथ हो गई। बोहेमियन रैप्सोडी, वी विल रॉक यू और किलर क्वीन जैसे कितने ही आइकॉनिक सॉन्ग्स देने वाली आवाज एकदम खामोश हो गई। कारण, एक ऐसी बीमारी जिसका सालों तक हमारे पास कोई भी इलाज नहीं था। 90s के उस टाइम में फ्रेडी मर्करी की डेथ ने स्पॉटलाइट लाई एचआईवी एड्स के ऊपर। तो क्या है आखिर ये एड्स? एड्स यानी कि अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारी से लड़ने की ताकत एकदम खत्म हो जाती है, बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। एड्स होता है एचआईवी नाम के एक वायरस से। तो आखिर कैसे फैलता है ये एचआईवी वायरस? इंटरनेट के आने से ना एक चीज जो बहुत अच्छी हुई है वो हुई है इजीली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन, यानी कि सबके पास इंफॉर्मेशन आज की तारीख में आ गई है बहुत सारी चीजों की। कंपेयर टू 90s एंड अर्ली 2000s, आज की तारीख में मेजॉरिटी पब्लिक को ये पता है कि एचआईवी एड्स कैसे होता है। बट जैसा कि स्पाइडरमैन के अंकल बेन ने कहा था, विद ग्रेट इंफॉर्मेशन कम्स ग्रेट मिस इन्फॉर्मेशन। अरे ऐसा नहीं कहा था। खैर, कहने का मतलब ये कि एचआईवी एड्स को लेके काफी सारी मिस इन्फॉर्मेशन आज भी पब्लिक में मौजूद है, स्पेशली एचआईवी एड्स कैसे होता है इसको लेके। हमारी आज की सोसाइटी में भी ना बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि एक्चुअल में एचआईवी एड्स कैसे ट्रांसमिट होता है, ये कैसे होता है। तो बाय एंड लार्ज एचआईवी एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल दोनों ही तरह के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकती है। इतना ही नहीं, ये हो सकती है इन्फेक्टेड ब्लड के कॉन्टैक्ट में आने के से। जो लोग ड्रग्स लेने के लिए नीडल चेनिंग करते हैं उनमें इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। इसके अलावा वायरस के ट्रांसमिशन का एक तरीका और भी है, माँ से बच्चे में हो सकती है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। इंसेक्ट बाइट से, मस्किटो बाइट से, फूड शेयरिंग से, कटलरी शेयरिंग से, वॉशरूम शेयरिंग से, टॉयलेट शेयरिंग से, खांसने या छींकने से एचआईवी एड्स का ट्रांसमिशन नहीं होता है। व्हाट्सएप पे आया हर मैसेज सच नहीं होता है। तो फिर आखिर आया कहां से ये एचआईवी? हम लोगों ने पुराने टाइम पे अलग अलग एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स के स्प्रेड होने के बारे में हिस्ट्री में पढ़ रखा है। कभी कॉलरा, कभी प्लेग, कभी मीजल्स, कभी स्मॉल पॉक्स, हम सब ने इनके स्प्रेड होने की कहानियां सुन रखी हैं। नहीं सुना था तो एचआईवी के बारे में, एचआईवी के ट्रांसमिशन के बारे में या एचआईवी के एपिडेमिक के बारे में। तो फिर आया कहां से एचआईवी एड्स? कहते हैं कि सेंट्रल अफ्रीका में मीट के लिए लोग चिंपैंजी का शिकार करते थे। चिंपैंजीज में उस समय एचआईवी से मिलता जुलता एक वायरस पाया जाता था जिसको कहते थे सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये थोड़ा थोड़ा एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से मिलता जुलता वायरस था। तो शुरुआत हुई लेट 1800s में। चिंपैंजीज के शिकार के टाइम पे ह्यूमंस इन्फेक्टेड चिंपैंजीज के ब्लड के कांटेक्ट में आए और वहां से ये इस वायरस ने लिया जंप एक जानवर से यानी कि चिंपैंजी से ह्यूमंस में, और इस तरह आया एचआईवी इंसानों के पास। अगले कुछ डिकेड्स में अफ्रीका में ये बीमारी धीरे धीरे करके फैलती चली गई और 70s में जाके पहुंची यूनाइटेड स्टेट्स में। साल 1986 में इंडिया में पहली बार एचआईवी का फर्स्ट केस डायग्नोस किया गया था चेन्नई में। WHO की डेटा के मुताबिक 2021 में 1.5 मिलियन 15 लाख लोगों को एचआईवी डायग्नोस किया गया था। दिस वाज इन सिंगल ईयर 2021। पहले के मुकाबले इंडिया में एचआईवी की प्रेवलेंस कम हुई है, लगभग 46% कम। तब पर भी 2021 में इंडिया में 40,000 से ज्यादा लोगों की डेथ एचआईवी और एचआईवी से जुड़ी हुई बीमारियों की वजह से हुई है। आखिर इतना हम क्यों डर रहे हैं एचआईवी एड्स से? तो
तो एचआईवी इन्फेक्शन की ह्यूमंस में बेसिकली तीन स्टेजेस होती हैं। पहली एक्यूट स्टेज, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, वायरल इलनेसेस जैसे ही सिम्टम्स आते हैं, बुखार रह सकता है, सर्दी लग सकती है, बोन एक हो सकता है, मसल एक हो सकता है, इस फेज में भी मरीज इन्फेक्टिव होता है, दूसरे मरीजों को एचआईवी का ट्रांसमिशन कर सकता है। क्रॉनिक फेज, क्रॉनिक फेज में पेशेंट इन्फेक्टिव ज़रूर होता है लेकिन सालों तक चल सकता है ये फेज और पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, पेशेंट सालों तक अनडायग्नोज पड़ा रह सकता है इस स्टेज में। एड्स, एड्स बेसिकली एचआईवी इन्फेक्शन की थर्ड स्टेज है, इसमें मरीज की इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है और फिर होती हैं उसे छोटी छोटी बीमारियाँ, वो छोटी मोटी बीमारियाँ जो शायद नॉर्मल लोगों का, नॉर्मल इंसानों का नॉर्मल इम्यूनिटी में ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाती लेकिन यहाँ पे कभी कभी साबित हो सकती हैं जानलेवा, इन्हें हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक यानी कि अवसरवादी इन्फेक्शन, इम्यूनिटी गिरी ये इन्फेक्शन बढ़े। कौन से इन्फेक्शन होते हैं ये? बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। बॉडी का ऑलमोस्ट हर पार्ट, स्किन, ब्रेन, हार्ट, हर पार्ट इन इन्फेक्शन से अफेक्टेड हो सकता है। इन इन्फेक्शन के अलावा हो सकते हैं बहुत सारे और भी कैंसर्स, ये कैंसर नॉर्मल लोगों में नहीं पाए जाते हैं, एचआईवी होने के बाद या एड्स होने के बाद इनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक कैंसर्स। कहते हैं बिना ट्रीटमेंट इस स्टेज में पेशेंट 3 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करता। अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका मेरा एचआईवी एड्स के बारे में जानना इतना ज़रूरी क्यों है? इसके दो रीजंस हैं। पहला, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर की टू गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड गुड क्वांटिटी ऑफ लाइफ इन पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम एचआईवी एड्स। और दूसरा, एचआईवी एड्स के मरीजों को हमारे डर, हमारे घृणा, हमारी नफरत की नहीं, थोड़ी कंपैशन, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी इंक्लूजन की ज़रूरत है। बिकॉज नथिंग इन लाइफ इज टू बी फियर्ड, इट इज ओनली टू बी अंडरस्टूड, एंड नाउ इज द टाइम टू अंडरस्टैंड मोर सो दैट वी फियर लेस।